वो पीछा करता रहा। लड़की भागती रही, वो चाकू से वार करता रहा। लड़की चीखती रही, बीच सड़क पर हुआ खूनी खेल और तमाशा देखती रही दिल्ली। तेरे सिस्टर के चाकू लगे, कोई भी गाड़ी ले जाने के लिए तैयार था, पुलिस केस है, कोई हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार था। बेदर्द दिल्ली का बेरहम दिल वाला। दिल्ली में दिल वाले रहते हैं, दिल्ली दिल वालों की है, ऐसा शायद आपने भी सुना होगा। लेकिन सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी दिल्ली की हकीकत, ऐसी दिल्ली जहां बदमाश बेखौफ है, पुलिस बेपरवाह और लोग हैं तमाशबीन। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां इंसान की मौत एक तमाशा है। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां मुसीबत में पड़ोसी भी मुंह फेर लेते हैं। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां डर से लोग घर की खिड़कियां ही नहीं आंखें भी बंद कर लेते हैं। और ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां दिल वाले नहीं बिना दिल के बेरहम और बेदर्द लोग रहते हैं। छत्तीस सेकंड की इस हिला देने वाली तस्वीर में एक युवक दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में चाकू है। वो चाकू से एक लड़की पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। लड़की जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसती है, युवक भी उसका पीछा करता हुआ दुकान के अंदर जाता है। लड़की की चीख सुनकर लोग वहां जमा होते हैं और अगले ही पल वो हमलावर युवक सबके सामने तेजी से दौड़ता हुआ मौके से फरार हो जाता है। और अब देखिए ये दूसरी तस्वीर। ये पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क का रामनगर एक्सटेंशन इलाका कहलाता है। बुधवार शाम करीब शाम 5 बजे ठीक इसी जगह पर लड़की पर चाकू से हमला किया गया था। उस वक्त इस सड़क पर लोगों की गहमा गहमी थी, लेकिन किसी ने भी हमलावर युवक को रोकने की कोशिश नहीं की। लड़की की चीख सुनकर लोग चौंके जरूर, लेकिन जो जहां था वहीं से तमाशा देखता रहा। दुकानों में बैठे लोग, सड़क पर चल रहे लोग और मकान की छत से झांकते लोग सब हाथ बांधे खड़े रहे। यहां तक कि हमलावर के फरार होने के बाद भी किसी ने खून से लथपथ लड़की को उठाने की कोशिश नहीं की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाने की जल्दी दिखाई। और ये है बेदर्द दिल्ली के बेरहम शख्स का शिकार बनी वो लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम है रिया गौतम। रिया एयर होस्टेस बनना चाहती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी, दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि दिलवालों की दिल्ली कहे जाने वाले शहर में सड़क पर घूमने वाले मनचले और बदमाशों की नजरें लड़कियों को घूरती ही नहीं, उनका सुख चैन भी छीन लेती हैं। लेकिन उस शख्स ने तो रिया की जिंदगी ही छीन ली। रिया गौतम की हत्या कैसे हुई यह तस्वीर अब सबके सामने है, लेकिन उस तस्वीर से भी डरावनी है वो कहानी जिसने रिया की जिंदगी छीन ली। कहानी उस सनकी आशिक की है जिसने रिया पर हमला किया। कहानी उन मतलबी लोगों की है जिन्होंने वक्त पर रिया की मदद नहीं की। और कहानी दिल्ली पुलिस की भी है जिनकी लापरवाही रिया की जिंदगी पर पड़ गई भारी। कुछ महीने पहले की ही बात है, एयर होस्टेस बनने की तैयारी के लिए रिया गौतम ने दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। वो पढ़ाई के लिए हर रोज मानसरोवर पार्क से प्रीत विहार अकेले आया जाया करती थी। और उन्हीं दिनों रिया गौतम के पीछे पड़ गया आदिल नाम का एक युवक। परिवार वालों के मुताबिक आदिल रिया से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था, सरेआम छींटाकशी करता था।
यहाँ तक कि घर से लेकर इंस्टीट्यूट तक का रास्ता बहुत मुश्किल से कटता था। रिया पूरे रास्ते आदिल की हरकतों से डरी सहमी रहती थी। वो मेरी सिस्टर को एक साल से परेशान कर रहा है। वो उसको फोर्स करता है कि तू मेरे से दोस्ती कर, मेरे साथ चल, मेरे साथ प्यार कर, ये सब उसके था। और मेरी सिस्टर हमेशा उसको मना करती थी, और वो मना करती थी सिर्फ इसीलिए वो हमेशा उसके प्रेशर में, मतलब उसे डर के रहती थी। रिया के घर वालों के मुताबिक आदिल नाम का युवक रिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसकी हरकतों की खबर घर से लेकर रिया के इंस्टीट्यूट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। घर वालों के सब्र का बांध जब टूट गया तो वो आदिल की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे। इंस्टीट्यूट के बाहर ही लड़का खड़ा था, वो उन्होंने अपने सरिया मैडम को सिस्टर ने कुछ बताया मैडम को, तो वो जब उन्होंने जाके सीधा प्रीतिवर थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद प्रीतिवर थाने वाले ये कहते हैं कि आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं, सीधा एम एस पार्क जहाँ रहते हो आप उसी एरिया में एम एस पार्क थाने में कंप्लेन लिखवाइए। फिर सिस्टर ने जैसी घर आई अपने इंस्टीट्यूट से, उसने हमें बताया, मुझे और डैडी को बताया कि ऐसे ऐसे भाई और ये बात होगी कि मेरे साथ हाथापाई भी होगी, मुझे ऐसे लड़का को एक लड़का कोई परेशान कर रहा। तो फिर हमने फिर मैं और डैडी और वो सिस्टर छोटी वाली तीनों हम फिर एम एस पार्क थाने में गए। थाने में जाने के बाद फिर हमने कंप्लेन लिखवाई। रिया के परिवार वालों की माने तो उनकी शिकायत पर पुलिस ने कुछ दिनों तक आदिल की खोजबीन तो की, लेकिन बाद में वो ढीले पड़ गए। उन्होंने आदिल को न तो पकड़ा और न ही उसकी तहकीकात जारी रखी, जबकि आदिल इलाके का पुराना बदमाश बताया जाता है। पुलिस की ही लापरवाही है, अगर पुलिस पहले ये कार्रवाई कर देती। उस लड़के ने मेरी सिस्टर को पहले भी परेशान किया, अगर हमने उसकी कंप्लेंट पहले भी की मार्च में, अगर मार्च में ये एक्शन ले ली जाती पुलिस ने या किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी कार्रवाई की जाती, तो आज मेरी बहन मेरे पास होती। वो क्रिमिनल में आता है, कई केस लगे हैं उस पर, स्नैचिंग के हैं, बाइक की चोरी के हैं, मोबाइल चोरी के हैं, मतलब काफ़ी चाइनीज स्नैचिंग के हैं, काफ़ी उसमें आते हैं। रिया के परिवार वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेखौफ घूम रहे आदिल के इरादे कितने खतरनाक हैं। आदिल तो बस मौके की ताक में था। परिवार वालों के मुताबिक बुधवार शाम रिया घर के पास ही एक दुकान से सामान खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन इससे पहले कि वो घर लौटती बीच रास्ते में ही आदिल चाकू लेकर उसके सामने आ धमका। वो लड़की एक मैगी का पाउच लेने के लिए बाहर गई थी, घर पे रहती थी, मैगी का पाउच लेने के लिए बाहर गई थी दुकान पे, पाउच लेकर वापसी आ रही थी, और स्टूडियो के सामने उसने देखा कि कहाँ मुझे सेफ्टी मिल सकती है, उसको दुकान खुली मिली स्टूडियो की, वो दुकान के अंदर घुस गई, और अंदर घुसने का परपत्र उसका ये था कि कोई ना कोई मुझे मिलेगा वहाँ पर दुकान के अंदर, लेकिन बाई चांस की बात है दुकान में उसको कोई नहीं मिला, दुकान खाली थी उस समय, उसको और मौका मिल गया, तो वो तो वार पे वार करता गया और अपने उसमें सफल हो गया अपने काम। वो पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार आदिल बीच सड़क पर ही रिया पर चाकू से वार करता रहा है। वो रिया को वहीं मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन लगातार हमलों के बीच भी रिया भागती हुई इस फोटो स्टूडियो में जा घुसी। आदिल भी उसके पीछे भागा और उस पर हमला करता रहा। ये जो आप तस्वीरों में अनिल फोटो स्टूडियो देख रहे हैं, सीसीटीवी में इसी जगह की फुटेज है जहां पर रिया अपनी जान बचाने के लिए स्टूडियो के अंदर घुसती है, और सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मुश्किल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रिया का घर है, और तकरीबन शाम को 5:15 के आसपास वो अपने घर से निकली थी दुकान के लिए, और तभी घात लगाए बैठे आदिल ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। रिया भागती हुई इस फोटो स्टूडियो में जा घुसी थी, यहीं पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात की खौफनाक तस्वीर कैद हुई है। लोगों ने इस खूनी मंजर को देखकर भी किस कदर नजरअंदाज कर दिया उसकी कुछ बानगी देखिए। ये देखिए कैसे ये दो लड़कियां वहां से गुजरी, लेकिन वो सब कुछ देखते हुए भी वहां से चलती बनी। ये बुजुर्ग शख्स भी खामोश रहे। रिया की चीख सुनकर कुछ लोग भागकर वहां पहुंचे जरूर, लेकिन किसी ने भी आदिल को रोकने की कोशिश नहीं की। आदिल उनकी आंखों के सामने ही निकल भागा और लोग चुपचाप खड़े रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब खून से लथपथ रिया को फौरन अस्पताल भी पहुंचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में था, जैसे मुझे पता लगा कि ऐसे बात है, मेरे फ्रेंड का फोन आता है कि तेरे सिस्टर के चाकू लग गया। मैंने चाकू लग गया तो एक काम कर, तो हॉस्पिटल ले जा,
लेकिन वो अपनी गाड़ी कोई भी गाड़ी ले जाने के लिए तैयार था। गाड़ी गलियों में कितनी गाड़ी खड़ी है लेकिन गाड़ियाँ कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था कि पुलिस कैसे कोई हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार था। मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने बैटरी रिक्शा करा मेन रोड से बैटरी रिक्शा करने के बाद वो GTV लेकर गया। फिर मैं करकटो में रेड लाइट पर था, ऑफिस से आ रहा था, रेड लाइट से मैं उधर से उधर अपने फिर GTV पहुँचा। पब्लिक बहुत खड़ी थी, बहुत खड़ी थी, किसी ने भी कोई हेल्प नहीं करी। बहन मेरी रिया गौतम कम से कम 10 से 15 मिनट वहां पड़ी रही, उसको बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती रही। लहूलुहान रिया को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जख्मी थी कि सुबह होने से पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। जिस दिल्ली शहर में रिया ने जिंदगी का सपना देखा था, उसी शहर की बेरहमी ने रिया की जिंदगी छीन ली। रिया का गुनाहगार आदिल फरार है। जिन लोगों ने इस खूनी मंजर को देखा था वो अब भी खामोश अपने घरों में बैठे हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। और पुलिस अब ये दावा कर रही है कि वो आदिल को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। CCTV में एक लड़का आया है और आदिल नाम का है, जो पहले से जानकार था, बच्ची जानती थी उसको, और अभी एफर्ट्स आर ऑन टू ट्रैक हिम। हो सकता है पुलिस रिया के गुनाहगार आदिल को गिरफ्तार कर भी ले, लेकिन इससे न तो पुलिस की लापरवाही पर पर्दा डाला जा सकता है और न ही दिल्ली की हकीकत से मुंह मोड़ा जा सकता है, जहां गुंडे और मनचलों के डर से लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल है। और अगर बदकिस्मती से कोई लड़की किसी मुश्किल में फंस जाए तो लोगों के लिए वो सिर्फ एक तमाशा बन जाती है, जैसा कि रिया के साथ। सनसनी के लिए दिल्ली से इमरान के साथ गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।